हेलो गाइस, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में वही सब स्टॉक लेके आता हूँ जो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं या जिनका ब्रेकआउट हो चुका होता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ से लर्निंग पर्पज़ जितनी वीडियो पोस्ट करता हूँ एक भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक का नाम बता देता हूँ आपको। स्टॉक का नाम है ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, ये उसका नाम है ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये इसका मंथली चार्ट खुला हुआ है। मंथली चार्ट ये किसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के अभी ये इसका ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 2017 में उसके पास रेजिस्टेंस फेस करके ये भी थोड़ा नीचे आया हुआ है। और देखते हैं वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है इसका। और वीकली चार्ट में देखिए इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी ये आज आप जाने रहे कि मार्केट में गिरावट है 2 दिनों से, तो ये अभी थोड़े रिटेस्ट जोन में है। तो आने वाले टाइम में अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप इसमें अपनी एंट्री देख सकते हो। ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फाइनेंशियल से जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनके कंसल्ट के बिहाफ के बाद ही आप किसी भी शेयर में या स्टॉक में खरीद या बिक्री जो भी करना कर सकते हैं। और नीचे में 220 रुपये का इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर ये 220 रुपये का लेवल अगर टूटता है 215 220 का तो फिर ये चार्ट इनवैलिड हो जाएगा और आने वाले 2 से 4 महीनों में 280 ये पहला टारगेट रहेगा, 300 रुपया दूसरा टारगेट रहेगा। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये 350 तक की मूव दिखा सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। और किसी चार्ट के बारे में अगर आपको जानना होगा तो स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।